ये कहानी उस टाइम से स्टार्ट होती है जब मिस्र को एक नया गॉड दिया जा रहा था और इस गॉड का नाम होरिस था। होरिस जो कि हवा का गॉड था। अब क्योंकि होरिस को मिस्र का गॉड बनाया जा रहा था इसीलिए उसको ताज पहनाने की रस्म की जा रही थी। सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। अभी ताज बस होरिस को पहनाया जाने ही वाला था कि तभी वहाँ पर डेजर्ट का गॉड आ जाता है और इस गॉड का नाम सेट था और साथ साथ सेट होरिस का अंकल भी था, यानी होरिस सेट का नेफ्यू था। सेट अपनी नेफ्यू यानी होरिस को एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट एक हॉर्न था। सेट होरिस को वो हॉर्न बजाने के लिए कहता है। तब होरिस उस हॉर्न को बजाता है और यहाँ पर अभी तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन उस हॉर्न के बजते ही वहाँ पर सेट की पूरी आर्मी आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर सेट के आने का मकसद अच्छा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, सेट होरिस के फादर को चाकू मार कर जान से मार डालता है, यानी सेट अपने भाई को ही मार डालता है। इसके बाद सेट सबके सामने ऐलान करता है कि अगर मेरे सामने कोई ना झुका तो उसे मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर सब के सामने झुक जाते हैं, इवन गॉड्स भी। मगर ये सब कुछ देखकर होरिस को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने अंकल सेट से लड़ता है और लड़ाई के दौरान दोनों अपने असली रूप यानी गॉड के रूप में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होरिस हारता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि सेट होरिस को अपने कंट्रोल में ले चुका था और वो होरिस की दोनों आंखें निकाल लेता है। लेकिन सेट होरिस को जान से नहीं मारता बल्कि वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो हमेशा ब्लाइंड बनकर अंधेरे में जिंदगी गुजारे। इसके बाद सेट पूरे मिस्र पर कब्जा कर लेता है और अब की बाद मिस्र के हालात भी बदल चुके थे, यानी सारे सरकमस्टेंसेस अब खराब हो चुके थे। इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था क्योंकि सेट एक पत्थर दिल गॉड था, यानी उसके दिल में जरा भी रहम नहीं था। इसीलिए उस सोसाइटी में इंसानों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। फिर मिस्र की उस सिटी में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बैक होता है। वहाँ पर बैक की एक बचपन की दोस्त भी होती है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि उस वक्त मिस्र में गुलामी का दौर था और इवन गॉड के साथियों के भी गुलाम हुआ करते थे। इसीलिए जो बैक की फ्रेंड होती है वो सेट के एक डिजाइनर की गुलाम होती है। इसीलिए बैक और उसकी दोस्त एक दूसरे से काफी मुश्किल से मिला करते थे। बैक की दोस्त को लगता था कि गॉड होरिस उनकी हेल्प कर सकता है और एक वो ही है जो इन लोगों को गुलामी से फ्री कर सकते हैं। इसीलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि बैक की दोस्त उस जगह के बारे में जानती थी जहाँ पर सेट के सारे खजाने थे और सारा कीमती सामान वो रखता था, और उन्हीं खजानों के बीच ही सेट ने होरिस की आंखें भी रखी हुई है। यहाँ पर बैक की दोस्त उसे सारी बात समझा देती है कि वहाँ पर सेट की आर्मी भी होगी, इसीलिए तुम उनसे बचते हुए अंदर जाना और जाकर होरिस की आंख ले आना। बाद में वो होरिस की आंखें उसे लौटा देंगे जिसके बदले में होरिस इनकी हेल्प करेगा। बैक ऐसा ही करता है। वो सबकी नजरों से बचते हुए उस खजाने वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उस जगह पर खतरा भी था क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए थे ताकि कोई चोरी ना कर सके। लेकिन बैक जो कि हर ट्रैप से इजीली निकल जाता है, और तो और वो होरिस की एक आंख लेने में भी कामयाब हो जाता है। उस आंख में काफी तेज लाइट थी। वो आंख लेकर बैक वापिस से अपने फ्रेंड के पास आ जाता है, लेकिन सेट के सोल्जर्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उस लड़की का मालिक यानी उस डिजाइनर को पता चल चुका था कि नक्शों के साथ जरूर कोई छेड़छाड़ की गई है, यानी वहाँ पर खजाने वाली जगह के नक्शे गायब थे। इसीलिए वो बैक से पूछते हैं कि तुमने गॉड के खजाने से क्या चुराया है। लेकिन यहाँ पर बैक ने एक समझदारी की होती है क्योंकि उसने होरिस की आंख के साथ साथ वहाँ से गोल्ड की एक चीज भी चुरा ली थी, और बैक उस डिजाइनर को बताता है कि मैंने बस सोने की छोटी सी चीज चुराई है, लेकिन आग के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। फिर उन दोनों को मारने का हुक्म दे दिया जाता है। लेकिन जब सोल्जर्स उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तब बैक होरिस की वो आंख निकालता है जिसकी लाइट काफी तेज थी। उस आंख की लाइट इतनी तेज होती है कि थोड़ी देर के लिए उन सोल्जर्स की आंखें काम करना बंद कर देती है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए बैक अपने दोस्त को लेकर वहाँ से बाहर निकल आता है, और फिर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो सोच रहे थे कि वो बच कर निकल गए हैं, लेकिन जो डिजाइनर था वो बैक के दोस्त को एक एरो मार देता है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। फिर बैक जल्दी से उस मंदिर में जाता है जहाँ पर गॉड होरिस रहता था। अंदर जाते ही बैक होरिस को बुलाता है ये कहते हुए कि मेरे पास तुम्हारी आंख है। ये सुनकर होरिस उससे अपनी आंख मांगता है, लेकिन आंख देने के बदले बैक उसके सामने एक शर्त रख देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंख लुटा देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर होरिस को गुस्सा आ जाता है कि वो एक मामूली सा इंसान होकर मेरे सामने शर्तें रख रहा है। इस बात की वजह से होरिस बैक पर अटैक भी करता है, मगर हर बार बैक बच जाता है और वो होरिस को उसकी आंख भी नहीं देता। अब होरिस ने अपनी आंख तो वापस लेनी ही थी ना, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। वो बैक को कहता है कि चलो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त, जिस पर बैक कहता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी है। इसके बाद बैक अपनी दोस्त को होरिस के सामने लाता है। यहाँ पर होरिस उस लड़की को बचाने की काफी कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता क्योंकि उस वक्त होरिस के पास गॉड वाली पावर्स नहीं थी। होरिस कहता है कि ये लड़की नहीं बच सकती क्योंकि मौत इसकी बिल्कुल करीब आ चुकी है।
इतनी ही देर में वहाँ पर मौत का गॉड भी आ जाता है और वो उस लड़की की सोल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर गॉड ऑफ डेथ उस लड़की से पूछता है कि बताओ तुम मुझे क्या दोगी, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो गुलाम हूँ। यानी यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि मरने के बाद इंसान मौत के गॉड से डील कर सकता है, यानी जो कोई भी सोना चांदी कीमती चीजें मौत के गॉड को देगा तो मौत का गॉड उसे दोबारा जिंदगी देकर दुनिया में वापस भेज देगा। लेकिन अगर कोई पर्सन मौत के गॉड को कुछ भी नहीं देगा तो गॉड ऑफ डेथ उसकी सोल को हमेशा के लिए ले जाएगा। लेकिन अब क्योंकि उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था तो उसकी सोल का भी यही होना था और मौत का गॉड उस लड़की की सोल को अपने साथ ले जाता है। इस बात को लेकर बैक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो होरिस को उसकी आंख भी देने वाला नहीं था क्योंकि उसने गॉड होने के बावजूद भी उसके दोस्त की जान नहीं बचाई। लेकिन अब होरिस को भी गुस्सा आ जाता है और वो बैक को पकड़ लेता है, इसीलिए बैक अपनी जान बचाने के लिए होरिस को उसकी आंख दे देता है। होरिस को यहाँ पर उसकी एक आंख मिल जाती है और अब वो बैक से उसकी दूसरी आंख की डिमांड करता है, जिस पर बैक कहता है कि मेरे पास तो आपकी सिर्फ एक ही आंख थी। वो बताता है कि आपकी दूसरी आंख सेट के पिरामिड में है और मैं तो वहाँ पर पहले भी अंदर जा चुका हूँ और मैं वहाँ का सारा रास्ता जानता हूँ। ये सुनकर होरिस भी बैक को एक बात बताता है कि तुम्हारी दोस्त की सोल हमेशा के लिए नहीं गई बल्कि उसकी सोल ने अलग अलग रास्तों से गुजरना है और उसकी सोल ने फाइनल रास्ते से भी गुजरना है जिसमें अभी कुछ दिन तो लग ही जाएंगे, और अगर मुझे मेरी दूसरी आंख भी मिल गई तो मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी, मैं फिर से गॉड बन जाऊंगा जिससे मैं तुम्हारी दोस्त की जान बचा कर वापस ले आऊंगा। फिर यहाँ पर ये लोग अपने डील को डन कर लेते हैं, यानी बैक होरिस को उसकी आंख ला कर देगा जिसके बदले में होरिस बैक को उसकी दोस्त लुटा देगा। फिर वो लोग उस लड़की की डेड बॉडी को एक सेफ जगह पर रख देते हैं क्योंकि होरिस ने कहा होता है कि वो इस बॉडी में वापस सोल को ले आएगा। यहाँ पर होरिस ये भी डिसाइड करता है कि वो सेट से उसके किए का बदला जरूर लेगा और वो सेट यानी अपने अंकल को जान से मार डालेगा। फिर वो लोग अपने मिशन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। सेट को ये बात पता चल चुकी थी कि होरिस की आंख किसी ने खजाने से निकाल ली है और वो आंख होरिस तक भी पहुँच गई है। ये सुनकर सेट फौरन ऑर्डर देता है कि उन दोनों को जान से मार दिया जाए, जबकि होरिस बैक को लेकर एक ऊंचे पहाड़ की तरफ जा रहा होता है। बैक होरिस से पूछता है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर होरिस जवाब देता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मदद मांगने जा रहा हूँ। ये कहते ही होरिस वहाँ पर बैठ जाता है और वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी अचानक से होरिस का रूप बदल जाता है, वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है और अब वो उड़ भी सकता था और उड़ता हुआ वो आसमानों में चला जाता है जहाँ पर हम होरिस के ग्रैंडफादर को देखते हैं। होरिस के ग्रैंडफादर असल में सूरज के गॉड थे और ये वो जगह थी जहाँ से हर चीज पैदा होती है दुनिया की। तब सूरज के गॉड अपने असली रूप में आते हैं अपना हथियार लेकर, क्योंकि वहाँ पर एक अंधेरे का शैतान था जो बहुत खतरनाक था, तबाही मचाना चाहता था वो दुनिया में, और सन के गॉड उसका मुकाबला करते आ रहे थे और उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वापस भेज देते हैं क्योंकि सूरज के गॉड दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। यानी इस तरह से वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे हर एक मुसीबत से और इस अंधेरे के शैतान से। लेकिन सूरज के गॉड का ये एक मेन काम है कि वो हर बार उस अंधेरे के शैतान को वापस भेज देते हैं। यहाँ आकर होरिस सूरज के गॉड यानी अपने ग्रैंडफादर को सारी बात बता देता है कि मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आया हूँ, और यहाँ पर वो सेट की सारी रियलिटी भी बता देता है कि उसी ने मेरे फादर को मारा था और मेरी दोनों आंखें भी निकाल ली थी और अब उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया है, गुलामी का दौर बना दिया है। ये सुनकर सूरज के गॉड कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटों के झगड़ों और डिफरेंसेस को खत्म करने लग गया तो मेरा ध्यान दुनिया से हट जाएगा, मैं दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा। होरिस अपने ग्रैंडफादर से सूरज के गॉड से हेल्प मांगता है, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ डिसाइडेड है वही होकर रहेगा। और फिर होरिस उस जगह के पानी की डिमांड करता है और वो कोई आम पानी नहीं था बल्कि उसमें मैजिकल पावर्स थी और यही वो पानी था जिससे दुनिया की हर चीज क्रिएट होती है, उसमें इंसान जानवर सब कुछ शामिल थे। सूरज के गॉड होरिस को वो पानी दे देते हैं। इसके बाद होरिस बैग को लेकर वापस दुनिया में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है उसका गॉड वाला रूप खत्म हो जाता है क्योंकि होरिस तभी अपने गॉड वाले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आंखें हों, क्योंकि आंखों की वजह से ही वो पावरफुल है वरना तो वो कमजोर ही है। अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं कि तभी उन पर वो लोग अटैक करते हैं जिन्हें सेट ने भेजा था। होरिस उन लोगों से काफी लड़ता है लेकिन लास्ट में एक सोल्जर होरिस को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। ये देखकर बैक भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन गहराई में जाने से पहले ही होरिस अपना वो हथियार खोल देता है जो उसके पास था और उस हथियार की मदद से वो दोनों बच जाते हैं। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि होरिस वो पानी यानी वो होली वाटर अपने साथ क्यों लाया था, क्योंकि इस दुनिया में एक पिरामिड है जिसके अंदर आग है और होरिस का मानना था कि उस आग की मदद से ही सेट को पावर मिलती है, और अगर होरिस इस होली वाटर को उस आग में फेंकेगा तो सेट की पावर्स कमजोर हो जाएंगी।
करेंगे, जिससे होरिस इजीली सेट से अपना बदला ले लेगा। होरिस कहता है कि अब सेट हमें मारने के लिए अपने सबसे ज्यादा खतरनाक यानी खून के प्यासे लोगों को भेजेगा। फिर हमें दो औरतें दिखाई जाती हैं जिन्हें सेट ने भेजा था, जो बहुत खतरनाक थी क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सांप जैसे दिखने वाली मॉन्स्टर्स की सवारी करती थी। और सेट खुद एक गॉडेस के पास जाता है और ये गॉडेस गॉडेस ऑफ लव होती है। यहाँ पर सेट गॉडेस ऑफ लव से कुछ मांगने आया था। असल में अब से पहले गॉडेस ऑफ लव मरे हुए लोगों की दुनिया में थी और वो वहाँ पर मरे हुए लोगों की सीनियर थी। लेकिन इसके बाद होरिस ने गॉडेस ऑफ लव को उस दुनिया से बचाया और उन्हें वहाँ से बचाकर वो इस दुनिया में लाया। असल में गॉडेस ऑफ लव और होरिस एक दूसरे को काफी पसंद करते थे और होरिस के साथ साथ गॉडेस ऑफ लव भी बहुत सारी पावर्स की मालिक थी। सेट गॉडेस ऑफ लव को कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगी क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात के लिए गॉडेस ऑफ लव साफ इनकार कर देती है। गॉडेस ऑफ लव को भी ये बात पता चल जाती है कि होरिस को उसकी आंख मिल गई है। सेट गॉडेस ऑफ लव को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही गॉडेस ऑफ लव अपने हाथ से एक जादुई कंगन निकाल देती है और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है। लेकिन बहुत जल्द वो वापिस से उस कंगन को पहन लेती है, जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया से वापिस इस दुनिया में आ जाती है। असल में ये एक ऐसा जादुई कंगन था कि जब तक ये गॉडेस ऑफ लव के हाथ में रहेगा तब तक मरे हुए लोग उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन कंगन उनके हाथ से निकलते ही मरे हुए लोग उन्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगे। होरिस और बैक एक काफी पुराने मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेट की भेजी गई दोनों खतरनाक औरतें सांप जैसे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स की सवारी करके वहाँ पर आती हैं और वो स्नेक जैसे मॉन्स्टर्स मुंह से आग भी निकाल रहे होते हैं। वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए छुप रहे थे। और तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव आ जाती है, जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सांपों जैसे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। इसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर होरिस की दूसरी आंख भी थी और वो जगह एक पिरामिड थी। बैक कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, मैं अंदर जा भी सकता हूँ। जिस पर गॉडेस ऑफ लव कहती है कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि जब तुम अंदर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाएगा जो तुमसे एक पहेली पूछेगा और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब ना दिया तो वो मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर होरिस डिसाइड करता है कि वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाएंगे क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा अकल है, वो सबसे ज्यादा समझदार हैं। इसके बाद ये लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास चले जाते हैं और वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस को सारी बात बता देते हैं, लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर बैक एक समझदारी का काम करता है, वो कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब दे सकता हूँ। जिस पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस कहता है कि नहीं, तुम उसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वो काफी मुश्किल सवाल पूछता है और देखना तुम जवाब नहीं दोगे और वो तुम्हें मार देगा। जिस पर बैक कहता है कि ठीक है वो मुझे मार दे, लेकिन मैं उन्हें एक बात जरूर बताऊंगा कि मैं गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास गया था। लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस डर रहे थे जवाब देने से, अब ये किसी भी गॉड के लिए एक इंसल्ट वाली बात थी, इसीलिए गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही गॉडेस ऑफ लव को होरिस और बैक की डील के बारे में पता चल जाता है कि होरिस ने बैक को ये कहा है कि वो उसकी दोस्त की सोल वापस ले आएगा, यानी वो किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करेगा जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन ये बात गॉडेस ऑफ लव को काफी बुरी लगती है क्योंकि अपनी आंख लेने के लिए होरिस सिर्फ बैक को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन गॉडेस ऑफ लव ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ करे होरिस क्योंकि होरिस बैक के साथ धोखा कर रहा था। लेकिन कोई भी गॉड ऐसी हरकत करता हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन गॉडेस ऑफ लव बैक से पूछती है कि क्या तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहते हो, क्योंकि गॉडेस ऑफ लव का कंगन मरे हुए लोगों की दुनिया से कांटेक्ट करवा सकता था और इसी वजह से बैक अपनी दोस्त से बात करता है। बैक अपनी दोस्त को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकाल लूंगा क्योंकि होरिस गॉड हमारी हेल्प जो कर रहे हैं। फिर ये लोग उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। जिस पर बैक कहता है कि मैं जानता हूं कि अंदर जाने का रास्ता दरवाजा कहां पर है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अंदर एक व्हील है, अगर वो उसे घुमा देगा तो दरवाजा खुल जाएगा, इसीलिए वो दो पत्थरों के बीच से अंदर जाता है। फिर बैक बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस व्हील तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस व्हील को घुमाता है वहाँ की सारी मूवमेंट्स रुक जाती हैं और तब एक दरवाजा भी खुल जाता है जहाँ पर बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनके सामने वही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो इनसे पहेली पूछेगा और फिर वो मॉन्स्टर इन लोगों से पहेली पूछने लगता है। पहेली ये थी कि ना तो मैं था और मैं
हमेशा रहूंगा। ना तो मुझे कभी किसी ने देखा है और ना ही कोई कभी देख पाएगा, लेकिन फिर भी हर जिंदा चीज मुझ पर बिलीव करती है। तो जल्दी से बताओ क्या हूँ मैं, क्या नाम है मेरा। तभी अचानक से गॉड ऑफ इंटेलिजेंस एक जवाब देता है जो कि गलत होता है। गलत जवाब सुनकर मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। तब गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफी सोचने के बाद एक जवाब फिर से देता है और इस बार भी जवाब गलत होता है। दोबारा से गलत जवाब सुनकर वो मॉन्स्टर अब उन्हें मारने वाला था, लेकिन तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जवाब देते हैं आने वाला कल, और ये उनका आंसर ठीक होता है। इसीलिए वो मॉन्स्टर उन्हें आगे जाने देता है। आगे जाने पर वो होरिस की आंख देख लेते हैं। फिर होरिस उस पानी को निकाल कर बस गिराने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तब वहाँ पर खुद सेट आता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सेट का ही प्लान था और सेट ने उन लोगों के साथ ट्रिक की थी। आते ही सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। फिर यहाँ पर मौका देखते ही जल्दी से बैग उस होली वाटर को ले लेता है और वो सेट को धमकी देता है कि मैं इस पानी को आग में फेंक दूंगा। लेकिन यहाँ पर सेट बैग को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी दोस्त का है, और वो बैग को भड़काने की कोशिश करता है कि होरिस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, और अगर ये पानी तुमने आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त की बॉडी को खत्म कर दूंगा। अब अपने फ्रेंड की खातिर बैग रुक जाता है और वो उस होली वाटर को सेट को दे देता है। सेट उस पानी को लेते ही फेंक देता है। के बाद सेट तो उस पिरामिड से निकल जाता है, लेकिन वो बाकी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं और पिरामिड भी बस गिरने ही वाला था, लेकिन होरिस किसी तरह खुद को और उन सबको बचाने में कामयाब हो जाता है। जबकि सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है और अब वो और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इसके बाद सेट अपने फादर यानी सूरज के गॉड के पास जाता है। सेट वहाँ पर भी किसी गलत इरादे से आया था, क्योंकि वो अपने फादर का हथियार लेना चाहता था। यहाँ पर सेट अपने फादर पर अटैक कर देता है और उनसे उनका वो हथियार भी ले लेता है, जिससे होगा ये कि अंधेरे का शैतान अब हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और दुनिया में आकर तबाही मचा देगा। फिर हम देखते हैं कि होरिस बैग और गॉडेस ऑफ लव मंदिर से बाहर आ गए हैं। बैग को यहाँ पर काफी बुरा फील होता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव बैग की हेल्प करती है, क्योंकि वो चाहती थी कि बैग को उसकी दोस्त मिल जाए। इसीलिए वो मौत के गॉड को वहाँ पर बुलवाती है और वो मौत के गॉड से पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत क्या लोगे, जिस पर मौत का गॉड कहता है कि वहाँ पर जाने की कीमत काफी महंगी है। सुनकर गॉडेस ऑफ लव मौत के गॉड को अपना वो कंगन दिखाती हैं और पूछती हैं कि क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत होगी। लेकिन अब क्योंकि वो कंगन निकालने से ही गॉडेस ऑफ लव मुर्दों की दुनिया में चली जाएंगी, इसीलिए होरिस उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो अपना कंगन निकाल कर बैग को दे देती है और खुद वो मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। और इसके साथ साथ बैग भी अपने दोस्त से मिलने चला जाता है, जहां पर बैग की दोस्त की सोल आखिरी गेट तक पहुंच गई थी, और यहां पर उसके लिए एक काफी बड़ा इम्तिहान था कि अगर वो सोना देगी तभी वो वापस जा पाएगी दुनिया में, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाएगी। बैग की फ्रेंड कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी ही देर में बैग वहाँ पर वो जादुई कंगन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ गया है, क्योंकि उसे रोकने वाले सूरज के गॉड जो अब नहीं रहे थे। तब मौत का गॉड बैग को कहता है कि जल्दी जाओ वापस होरिस के पास जाओ, क्योंकि वो ही है जो इस अंधेरे के शैतान को रोक सकता है, मैं इसे कब तक रोकूंगा। तभी बैग इस दुनिया में वापस आ जाता है और वो होरिस को सारी बात बता देता है। लेकिन सेट के पास तो उसके फादर का एक पावरफुल हथियार था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अंधेरे के शैतान को इस दुनिया में आने देता है, और वो अंधेरे के शैतान को उसी जगह पर ले जाने वाला था जहाँ पर होली वाटर है। अब क्योंकि ये ऐसा पानी था कि जिससे सारी दुनिया क्रिएट होती थी, तो अंधेरे का वो शैतान उस सारे पानी को पी लेगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि अंधेरे का शैतान उस होली वाटर तक पहुंच जाता, वहां पर होरिस आकर सेट को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है। लेकिन यहां एक बार फिर सेट होरिस पर भारी पड़ता है। सेट बस होरिस को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बैग आ जाता है जो होरिस की हेल्प करता है और वो सेट की बॉडी से होरिस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है और उस आंख को वो होरिस की तरफ फेंकता है। इस बात की वजह से सेट को काफी गुस्सा आता है और वो होरिस को नीचे फेंक देता है, जबकि होरिस भी अपनी आंख नहीं ले पाता, वो गिर चुकी थी। अब यहाँ पर होरिस फंस चुका था, उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो बैग की जान बचा ले या फिर वो अपनी आंख ले ले, क्योंकि आंख लेने से उसकी सारी पावर्स वापस आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर होरिस डिसाइड करता है कि वो बैग को ही बचाएगा। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ता है, यहाँ पर होरिस का रूप बदल जाता है, यानी वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है, जबकि उसके पास तो उसकी आंख भी नहीं थी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि होरिस के पास उसकी सारी पावर्स वापस आ गई हैं, क्योंकि उसकी पावर किसी आंख में नहीं थी बल्कि इस बात में थी कि वो खुद गर्जे छोड़कर एक अच्छा गॉड बने और किसी की हेल्प करे। अब क्योंकि होरिस ने ऐसा ही किया था, इसीलिए उसे उसकी दूसरी आंख भी मिल जाती है। होरिस और सेट की फिर से लड़ाई हो जाती है और इस बार सेट हार जाता है। फिर होरिस जब सेट को मारने वाला
होता है तब सेट उसे काफी रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने भी तो तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे प्लीज एक मौका दे दो। जिस पर होरिस कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, जो गलती तुमने की है मैं तो वो कभी नहीं करूंगा। ये कहते ही होरिस सेट को जान से मार डालता है। अंधेरे का वो शैतान उस पानी की तरफ बढ़ रहा था। फिर होरिस अपने ग्रैंड फादर यानी सूरज के गॉड के पास जाते हैं और उन्हें उनका हथियार वापस लुटाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके सूरज के गॉड अंधेरे के शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। इसी बीच बैक की भी डेथ हो गई थी, लेकिन होरिस अब क्योंकि गॉड बन गया था उसके पास पावर्स थी, इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बैक और उसकी दोस्त को दोबारा जिंदा कर देता है। इसके बाद होरिस मिस्र का गॉड बन जाता है और यहाँ पर वो एक कानून बनाता है कि मरने के बाद सिर्फ वही इंसान दोबारा पैदा किया जाएगा जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे, ना कि सोने चांदी के बदले में। और अब होरिस मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है जहाँ से वो गॉडेस ऑफ लव को वापस लाएगा। सब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।